हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सौरभ सिंह लेक्चर। टुडे वी आर स्टडी अबाउट हाइब्रिडाइजेशन फॉर आईआईटी एस्पिरेंट, नीट एस्पिरेंट एंड 11th एंड बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में मैं आपको संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस करूंगा, और हो सकता है कि आप हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण पहले भी पढ़े होंगे कहीं पे। अगर पहले कहीं पढ़े हैं तो वही तरीका मैं भी यहाँ पे बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा, डिफरेंट होगा। और मैं आपको बता दूं, संकरण बताने के लिए संकरण को मैं मेथड उसका बताऊंगा, डेफिनेशन भी बताऊंगा हाइब्रिडाइजेशन का, और मैं हाइब्रिडाइजेशन का सुपर ट्रिक भी आपको बताऊंगा। तो आज का क्लास आप लोग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। और जो मेरा वीडियो देख रहा होगा वह लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो कैसी है। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है संकरण। क्या बोला जाता है भाई? संकरण कहा जाता है, हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण। ठीक है, अब संकरण होता क्या है? संकरण कहते किसे हैं, और हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है यानी कि संकरित कक्षक क्या होता है। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको आपबाऊ प्रिंसिपल के बारे में एक बेहतरीन तरीके से डिफिनेशन भी बताया, उसका एग्जांपल भी बताया, एक सुपर ट्रिक भी बताया आपको आपबाऊ प्रिंसिपल के लिए। ठीक है, तो आज का जो क्लास है मेरा वह है हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण। कुछ लोग सुन रहे होंगे कि संकरण क्या होता है, संकरण अनेकों प्रकार के थॉट आ रहे होंगे मन में कि यह सर कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर दिया, हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण। तो चलते हैं, हम लोग टाइम वेस्ट न करते हुए आप लोग की जो प्रतीक्षा है प्रतीक्षा खत्म करिए, आते हैं हम लोग सीधे टॉपिक पर, हाइब्रिडाइजेशन संकरण। ठीक है, संकरण क्या होता है? बोला जाता है कि जब दो या दो से अधिक समान ऊर्जा के ऑर्बिटल एक दूसरे से इंटरमिक्सिंग होते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और इंटरमिक्सिंग करके नए वाले ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, और उस नए ऑर्बिटल को हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं यानी कि संकरित कक्षक कहते हैं। अब यह जो आपका हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन को मैं एक बेहतरीन तरीके से बता दूं होता क्या है। जैसे संकरण बताने के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मान लो कि दो हाथ में दो लड्डू हो गया, मतलब यह मान लो एक लड्डू हो गया आपका, यह हो गया आपका मकदर का, यह कैसा हो गया आपका मकदर, यह मकदर का लड्डू हो गया, और यह मान लो कैसा लड्डू हो गया आपका बुनिया का लड्डू हो गया। ठीक है, यह मान लो कि मकदर का लड्डू हो गया, और यह कैसा लड्डू हो गया आपका बुनिया का लड्डू हो गया, और इन दोनों की जो साइज है वो क्या है आपका समान है, साइज क्या है दोनों का इक्वल है। ठीक है, साइज दोनों का क्या है इक्वल है, और इनका जो वेट है वह भी क्या आपका इक्वल है। आप समझिए, एक हाथ में मकदर का लड्डू और दूसरे हाथ में बुनिया का लड्डू। अब दोनों लड्डू को क्या करते हैं हम लोग आपस में जब मिला देते हैं, आपस में मिलाते हैं और उन दोनों को आपस में ऐसे रगड़ दो, मिलाने के बाद मतलब क्या करो रगड़ दो, रगड़ने का मतलब इंटरमिक्सिंग। जब इसको रगड़ देंगे तो कुछ बुनिया वाला जो लड्डू होगा वो किस में चला जाएगा, मकदर वाले में उसमें कुछ आ जाएगा, और मकदर वाले का किस में आ जाएगा बुनिया में आ जाएगा। और दोनों को अगर हम लोग मिलाए, दोनों को फिर समान साइज के, फिर मतलब जैसे ही समान साइज का था वैसे समान साइज का फिर हम लड्डू का निर्माण करें, तो आप देखेंगे कि बुनिया वाला लड्डू मकदर में चला गया, मकदर वाला किस में आ गया बुनिया में आ गया, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन एंड दिस ऑर्बिटल आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल इन केमिस्ट्री। ठीक है, अब देखो आप हम लोग इसका डेफिनेशन, समय वेस्ट ना करते हुए डेफिनेशन के बारे में सुनते हैं। बोला जाएगा कि when two or more same energy
orbital when two or more same elliptic orbital overlapping or intermixing or intermixing दिख रहा है ना सबको और इंटरमिक्सिंग थोड़ा छोटा दिख रहा है ना बड़ा कर देते हैं पर सामने होगी और इंटरमिक्सिंग विद ईच अदर टू फॉर्म ए न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड दिस फेनोमेनन आर नोन एज hybridization. बोला गया कि जब दो समान ऊर्जा के ऑर्बिटल जब दो या दो से अधिक समान ऊर्जा के ऑर्बिटल एक दूसरे से क्या करते हैं ओवरलैप या मैंने बताया इंटरमिक्सिंग करते हैं तो एक नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं और इस प्रोसेस को लोग क्या कहते हैं इस परिघटना या इस घटना को लोग कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण कहते हैं ठीक है आया समझ इतना अब चलते हम लोग इसका एग्जांपल आपको बता देते हैं और एग्जांपल के तरीके से आप बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे कि क्या होता है आपका हाइब्रिडाइजेशन और इसको नोट डाउन करिए आप तुरंत ठीक है नोट डाउन करिए भाई चलो चलते हैं अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे हम लोग इसको निकालते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं उससे पहले हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है और उसका प्रकार होता क्या है उसके बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यानी कि हाइब्रिडाइजेशन के प्रकार ठीक है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बोला जाएगा कि हाइब्रिडाइजेशन आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स फर्स्ट एसपी हाइब्रिडाइजेशन sp hybridization second sp2 hybridization third is sp3 hybridization and fourth is sp3 dehybridization fifth is sp3 d2 hybridization and sixth is sp3 d3 hybridization ये हो गया आपका टोटल सिक्स टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण के प्रकार संकरण मुख्य रूप से कितने प्रकार में होते हैं भाई तो आप बोलेंगे कि टोटल छह प्रकार में होते हैं ठीक है नोट हो गया सर अब इसके बाद हम आते हैं एग्जांपल के ऊपर एग्जांपल में कैसे हम लोग एसपी निकालेंगे एसपी2 निकालेंगे तो यहां से देखिएगा एसपी क्या होता है देखो मैंने क्या बोला एसपी वेन 1s orbital are intermixing with
1p ऑर्बिटल, मतलब कह सकते हैं कि एक s ऑर्बिटल अगर एक p ऑर्बिटल के साथ क्या करता है, ओवरलैपिंग करता है या इंटरमिक्सिंग करता है, तो इस हाइब्रिडाइजेशन को हम कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और अगर एक s दो p एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करते हैं तो ऐसे हाइब्रिडाइजेशन को लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और अगर एक s तीन p एक दूसरे के साथ इंटरमिक्सिंग या ओवरलैपिंग करते हैं तो ऐसे प्रोसेस को, ऐसे परिघटना को हम लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और एक s तीन p और एक d जब आप एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, इंटरमिक्सिंग करते हैं, तो यह बन जाता है आपका sp3d संकरण बन जाता है। और एक होता है आपका sp3d2 होता है, एक s तीन p दो d अब जब एक दूसरे के साथ इंटरमिक्सिंग करते हैं तो sp3d2 बन जाता है। और एक लास्ट बनता है sp3d3 होता है, यानी एक s तीन p और तीन d जब एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करते हैं तो उसे हम लोग sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। और इस फिनोमेना को sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब इसको आप लोग नोट डाउन करिएगा। हम आते हैं अब एग्जांपल के ऊपर और आपको मेथड भी बताएंगे, सुपर ट्रिक भी बताएंगे, तो समय व्यर्थ न करते हुए हम लोग आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो आप लोग नोट डाउन करिएगा तुरंत। ठीक है, कर लिए। देखो इसमें हम लोग आगे भी लिख देते हैं, ऐसे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, 1s प्लस 1p आर ओवरलैपिंग विद ईच अदर, आर ओवरलैपिंग विद ईच अदर, विद ईच अदर। और अगर 1s और 2p जब मिलते ओवरलैप करते हैं दूसरे से तो वो बनता है sp2। और एक यस तीन पी जब एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं तो क्या बनता है आपका sp3 बनता है। और एक यस तीन पी और एक डी जब आपस में मिलता है तो sp3d बनता है। और एक यस प्लस तीन पी और दो डी जब एक दूसरे के साथ इंटरमिक्सिंग और ओवरलैपिंग करते हैं तो sp3d2 बनता है। और एक यस 3p और 3d जब ओवरलैपिंग करते हैं वो बन जाता है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। ठीक है, आ गया इतना। अब हम लोग आते हैं एग्जांपल के ऊपर। जैसे अभी हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ CH4 जो होता है, CH4 का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, तो आपको आना चाहिए अगर आप मेरे साथ ईमानदारी से जुड़े हुए हैं तो। ठीक है, चलो नंबर वन मेथड कह लेते हैं, मेथड वन। पहले वाले मेथड में क्या होता है, जैसे कि मैंने लिख दिया CH4, ठीक है, आप लिखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करके लिखो, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन CH4 यानी कि मेथेन, मतलब मेथेन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हमको ज्ञात करना है। कैसे करेंगे आप देखो, जब हम लोग इस टाइप का करते हैं तो सबसे पहले हमको चेक करना होता है सेंट्रल एटम यानी कि केंद्रीय परमाणु। केंद्रीय परमाणु जो होता है, जिसकी संख्या कम होती है उसी को हम क्या मान लेते हैं, केंद्रीय परमाणु मान लेते हैं। या तो एक ट्रिक हो जाता है, एक तरीका हो जाता है, मतलब जो आपका संख्या में कम रहेगा वो क्या रहेगा, आपका केंद्र में रहेगा। और बाकी जो चार हाइड्रोजन वो कहाँ कहाँ रहेंगे, तो आप बोलेंगे कॉर्नर पर रहते हैं, किनारों पर रहते हैं। तो यहाँ पे जो कार्बन होता है वो सेंट्रल एटम कहलाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो कार्बन होगा, कार्बन आ गया आपका सेंट्रल एटम पर, तो बोला जाता है कि जो सेंट्रल एटम पर रहता है, जो सेंट्रल एटम पर रहता है उसका हम क्या कर देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कर देते हैं। और आपको पता है कि कार्बन होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। अभी मैंने कल आपको एक रूल बताया था जिसका नाम होता है अपाव प्रिंसिपल या अपाव रूल कहते हैं। और मैंने बोला था कि अपाव रूल का मतलब होता है, अपाव इज ए जर्मन वर्ड विच मीन्स बिल्ड अप आर कंस्ट्रक्शन। और बोला गया था कि इस नियम के अनुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल बोला जाता है कि ऊर्जा को बढ़ते हुए क्रम में यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किया जाता है, फिल किया जाता है अकॉर्डिंग टू अपाव प्रिंसिपल। और मैंने वहाँ फॉर्मूला भी दे दिया था, 1s2 दे दिया था, 2s2 दे दिया था,
2s2 हो गया था, फिर 2p कितना, अब देखो यहां पे 6 को भरना है, 2 2 4 हो गया आपका, 2 बचा है, फिर 2 कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब इसके बाद ये तो हो गया आपका कार्बन का, क्या हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन अकॉर्डिंग टू अबाउट प्रिंसिपल। अब आपको पता होगा कि यहां पे एक अब स्टेट आता है जिसका नाम होता है ग्राउंड स्टेट कहते हैं। कौन सा स्टेट कहते हैं भाई? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट होता क्या है? तो ग्राउंड स्टेट में बोला जाता है कि जो आपके आउटर सेल रहते हैं, आउटर सेल को क्या कर लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, और यहाँ पे आउटर सेल क्या आपका 2s2 है, 2p कितना आपका 2 है, और मैंने बोला था कि जो s होता है, s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है अकॉर्डिंग टू ओम्स रूल 2, और p में आपका मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाता है 6 भरा जाता है, और s में केवल और केवल 1 ऑर्बिटल बनते हैं, और जो p होता है उसमें ऑर्बिटल की संख्या कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। तो यानी कि आपका 2s2 है, इसको जब बनाएंगे तो इस टाइप में हो जाएगा आपका s में कितना ऑर्बिटल बनना चाहिए, तो यहाँ पर देते हैं 2s2 कर देते हैं, और p में कितना बनना चाहिए भाई आपका 3, p में कितना बनता ऑर्बिटल बनना चाहिए 3, 1, 2 और 3, और इसका नाम हम लोग जानते हैं कि एक होता है आपका px हो जाता है, दूसरा py हो जाता है, तीसरा क्या हो जाता है pz हो जाता है। यहाँ पे आप देखो इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, आप देखो यहाँ पे s में कितना इलेक्ट्रॉन भर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ p में कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हुंड का नियम फॉलो किया जाएगा, और हुंड कहते हैं कि जब तक कि सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए तब तक हम लोग उसका पेयर नहीं कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को भरना, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दो, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दो, कोई समस्या यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसके बाद आते हैं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट क्या होता है भाई? उत्तेजित अवस्था जिसको कहते हैं हिंदी में। एक्साइटेड स्टेट का मतलब जैसे होता है ना, क्लास में अगर मैं बात करूं, क्लास अगर आप लोग से रिलेटेड में बात करूं, तो क्लास में देखा जाता है जब हम कोई क्वेश्चन आप लोग से करते हैं तो आप लोग क्या करते हो भाई, अगर जिसको क्वेश्चन आ रहा होगा उसके अंदर ऐसा होता है ना कि कब सर जी पूछे कब बता दे जल्दी जल्दी, ठीक है, मतलब कब मेरा नंबर आए और कब मैं जाकर क्या करूँ अपने मुँह से बक दूँ आंसर को और मैं क्या हो जाऊँ भावाई लूट लूँ, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको क्वेश्चन नहीं आता है और वह कहते हैं कि अगर मेरा नंबर नहीं आता तो बहुत बढ़िया रहता, अगर मेरे से सर जी क्वेश्चन नहीं करते तो आज हम बच जाते और मेरी बेइज्जती होने से क्या हो जाती, बच जाती। लेकिन उस बच्चे की हम बात यहाँ पे करेंगे जो बच्चा क्या होता है आपका एक्साइटेड हो जाता है क्वेश्चन को क्या करने में बताने में, तो अब उस पर अगर हम बात करते हैं तो आप देखोगे मतलब उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है, कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है जिससे वह क्या करता है अपने अंदर अपने बॉडी में क्या हो जाता है वह पूरा एक्टिव हो जाता है और वह क्वेश्चन को तुरंत बताने का प्रयास करता है कंपेयर टू जिसको नहीं आता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, मान लो कि यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट का मतलब इसको कहीं से एक्स्ट्रा एनर्जी क्या हो गई, मिल गई, जब एक्स्ट्रा एनर्जी हो जाएगी तो यह वाला जो यस रहेगा, यस अपना एक इलेक्ट्रॉन किसमें जंप करा देगा आपका pz वाले में करा देगा, यहाँ पे बताओ भाई यहाँ पे हो जाएगा आपका 2s1 हो जाएगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया और p वाले के सभी ऑर्बिटल में अब एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ना, p वाले अब सभी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो यहाँ पे देखो एक एक और एक, यहाँ पे था आपका एक था ही और यहाँ पे कितना हो गया आपका एक, अब यहाँ क्या हो जाएगा 2px1 हो जाएगा, 2py1 हो जाएगा और 2pz1 हो जाएगा, ठीक है 2pz1 हो जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे कि यह वाला देखो आपका, अभी मैंने क्या बोला आपको इलेक्ट्रॉन को क्यों जंप कराया मैंने, इलेक्ट्रॉन को जंप कराने का मेरा एक ही रीजन था, अगर हम मेथेन की बात कर रहे हैं, मेथेन का मतलब क्या हो गया आपका CH4 का मतलब कि आपको बोला जाता है कि यह जो आपका कार्बन के साथ अगर 4 हाइड्रोजन आपके बॉन्ड बना रहे हैं, बोला जाता है कि अगर बॉन्ड बना रहे हैं 4 हाइड्रोजन तो इसका मतलब हमारे पास 4 अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अगर 4 अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है तभी वहां पे CH4 का फॉर्मेशन होगा, अन्यथा CH4 का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो आपका 2 अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, तो जब 2 अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, आपको कितना चाहिए अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हमने इसको एक जंप करा दिया, इसके पास अनपेयर हो गया, इसके पास अनपेयर, इसके पास, इसके पास, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया, जब सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया तो क्या कहलाएगा आपका अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। अब बताओ यहाँ पे एक यस, देखो एक यस वाला, एक यस और 3p जब एक दूसरे के साथ इंटरमिक्सिंग करेंगे तो यहाँ पे जो आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या बोला जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे लिख लेना sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, समझ में आया कि नहीं इतना,
आया ना भाई, एक ईयर्स टीएमपी जब आप एक दूसरे के साथ ओवरलैप करवा देंगे तो कौन सा हाइब्रिड एनालिसिस हो जाएगा, यस थ्री हाइब्रिड एनालिसिस हो जाएगा, तब एक ईयर से यहां पे आके जुड़ जाएगा, यहां पे कर लेते हैं, एक ईयर से यहां पे जुड़ जाएगा, एक ईयर से यहां पे जुड़ जाएगा, एक ईयर से यहां जुड़ जाएगा, एक ईयर यहां जुड़ जाएगा, तभी एक कार्बन के साथ चार हाइड्रोजन क्या कर जाएंगे, इंटरमिक्स कर पाएंगे। ठीक है, आया मेरी बात समझ में? ये जो आप करना चाहते हो यहां पे यस यस नहीं तो याद नहीं भी हो कोई बात नहीं चलेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यह जो आपका हाइब्रिडाइजेशन निकालने का कौन सा मेथड हो जाता है, मेथड नंबर, ठीक है, नोट डाउन करिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलते हैं इसके बाद हम लोग अगला एग्जांपल करते हैं जिसका नाम होता है BeCl2। BeCl2 में जो आपका Be है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसको निकालने का हम लोग तरीका जैसे मेथड नंबर फर्स्ट में किया वही करना है, मेथड नंबर फर्स्ट ही पढ़ रहे हैं। तो आपको पता है कि ये जो आपका Be होता है, Be का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, आपका 4 होता है। जब एटॉमिक नंबर 4 हो जाता है तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 1s2 2s2। अब बताओ 2 4 हो गया ना, इसके 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे 4 हो गया, लेकिन अभी एक और अपने मन से लिख देते हैं 2p0। 2p0 का मतलब P में कोई इलेक्ट्रॉन फिल नहीं किया गया। अब हम लोग इस पे आते हैं, कौन सा स्टेट पढ़ते हैं भाई, ग्राउंड स्टेट, कौन सा स्टेट, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट की जब हम लोग बात करेंगे तो ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या हो जाएगा, देखो ध्यान देना, यहां पे क्या था आपका 1s2 था, ठीक है, 1s2 था, और यहां कितना था आपका 2s2 था, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, इसको स्किप कर दो, ठीक है, 2p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, इसको छोड़ देते हैं। अब देखो क्या करना है आपको, एक Be के साथ कितना Cl जुड़ा है, 2 Cl, 2 Cl जुड़ने का मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मतलब जितना क्लोरीन जुड़ा है मतलब कह सकते हैं सेंट्रल एटम के साथ जितने बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है उतना हमारे पास अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ये रूल कहता है, हम नहीं कहते, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे, अब वही बात हो गई कि इसको कहीं से क्या हो जाती है, ऊर्जा ज्यादा मिल जाती है, जब ऊर्जा ज्यादा हो जाती है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन फेंक देता है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, देखो यहाँ पे देखो आपका 2px में 2px हो गया, 2py हो गया, 2p कितना हो गया आपका, जेड हो गया, इसमें 0 इलेक्ट्रॉन थे, जब यह अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर फेंक देगा, जब अपना एक इलेक्ट्रॉन फेंक देगा तो यहाँ पे 1s2 था, 1s2 लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक, 1s2 हो गया। अब बताओ जब यह अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको फेंक दिया, यहाँ पे जंप करा दिया इधर, तो बताओ यहाँ पे एक ही बचा रहा, यहाँ क्या हो जाएगा, 2s1 हो जाएगा, और बताओ यहाँ पे बताओ भाई, ये हो जाएगा 2px में 1 इलेक्ट्रॉन, 2py में 0 इलेक्ट्रॉन, 2pz में कितना इलेक्ट्रॉन, 0 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। अब देखो अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे 1s2 से क्यों इलेक्ट्रॉन उठाए नहीं, आपको मैंने बताया था ना कि when two or more same energy orbital are intermixing with each other, मतलब मैंने बताया था कि जब समान ऊर्जा नहीं होती है लेकिन इनका जो मान होता है वो लगभग क्या होता है, आपस में बराबर आता है, लगभग एक दूसरे के क्या होता है, पास होता है, इसका जो मान होता है एनर्जी का, ठीक है, इसलिए यहाँ से एनर्जी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, जंप करा देंगे इसमें, तो बताओ जब जंप कराएंगे तो बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, एक ईयर्स और एक पी जब मिला तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। आया समझ में, इतना कर लेंगे, आया समझ में कि 1s का इलेक्ट्रॉन नहीं जंप कराए, क्यों नहीं कराए, क्योंकि ये जो आपका 2s और 2p जो है आपका, इनकी जो एनर्जी है वो लगभग क्या आपका एक दूसरे के क्या है, समीप है, तो आपको बोला गया कि when two or more same energy orbital are intermixing with each other to form a new hybrid orbital and this phenomena is called hybridization, ठीक है, नोट करिए। अब इसके बाद आते हैं हम लोग मेथड नंबर सेकंड पर, मेथड नंबर सेकंड क्या होता है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे अभी मैं लिख दिया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिख दिया सी लिख दिया और इसके साथ मैंने चार सिंगल बॉन्ड जोड़ दिया, और मैंने यहाँ पे सी लिख दिया, इसके साथ मैंने यहाँ पे कर दिया, सॉरी इस टाइप मैंने बना दिया डबल बॉन्ड यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे एक मैंने सी कर दिया, और ये बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया, और 3 बॉन्ड मैंने इधर फिक्स कर दिया, ठीक है। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम लोग कितने, यहाँ पे किस पे हम डिपेंड करेंगे, पहले हम देखेंगे सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करते हैं। आपको मैंने बताया होगा कि जहाँ आपके सिंगल बॉन्ड होते हैं, एवरी सिंगल बॉन्ड आर सिग्मा बॉन्ड, मतलब कि जो आपका प्रत्येक सिंगल बॉन्ड होता है वो क्या होता है आपका सिग्मा बंद कहलाता है, और जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, देखो मैं फिर से बता दूं,
सिंगल बॉन्ड में क्या हो जाता है आपका सिग्मा बॉन्ड। सभी सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं। डबल बॉन्ड में क्या होता है, सिग्मा एंड वन पाई होता है। फिर इसके बाद तीसरा जो होता है आपका, इसको बोला जाता है कि वन सिग्मा एंड टू पाई, वन सिग्मा एंड टू पाई, मतलब ये आपका टू पाई हो जाता है। और बीच वाला क्या हो जाता है सिग्मा, यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई, और यहाँ पे क्या हो जाता है आपका सिग्मा हो जाता है। समझ में आया मेरी बात? अब देखो आपको जैसे मैंने सिग्मा बॉन्ड बता दिया, अब यहाँ पे अगर मैं डिस्कस करूँ सिग्मा बॉन्ड से रिलेटेड, तो चलते हैं। अगर मैं आपको बता दिया सिग्मा बॉन्ड, तो इसका मतलब अगर देख लो तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे लिखिएगा हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे लिखिएगा हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड का मतलब हो गया अगर दो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, दो सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होता है आपका sp होता है। तीन आपका सिग्मा बॉन्ड होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। चार सिग्मा बॉन्ड होता है तो sp3 होता है। और पांच सिग्मा बॉन्ड होता है sp3d हो जाता है। और अगर छह सिग्मा बॉन्ड होता है sp3d2 संकरण हो जाता है। और अगर सात सिग्मा होता है तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। आया समझ में इतना? ये चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए कहीं साइड में, फिर उसके बाद हम चलते हैं, ठीक है। आया समझ में? नोट डाउन करिए भाई। नोट डाउन करिए। ठीक है, चले आगे। अगर नोट हो गया होगा तो चले मानी भी। देखो आइट पहले कर लीजिएगा इसको आप साइड में। अब देखो आते हैं हम लोग सिग्मा बॉन्ड पर। अब बताओ इसमें कितना सिग्मा है, एक दो तीन चार। मैंने बताया कि जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं वो कौन सा बॉन्ड हो जाते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी होगी, चार। और यहाँ पे देखो आपका एक सिग्मा दो सिग्मा, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक क्या होता है आपका पाई। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए आपके, तीन, तीन सिग्मा बॉन्ड हो गए। और इसमें देखो एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा और एक पाई, ठीक है। मतलब कितने आपके सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो आप बोलेंगे कि इसमें दो सिग्मा बॉन्ड हो गए। समझ में आया भाई, दो सिग्मा बॉन्ड। इसमें देखो आपका एक सिग्मा, सॉरी यहाँ पे दोनों आपका जो होता है ऊपर वाला और नीचे वाला, ये क्या होता है आपका पाई होता है। ऊपर और नीचे वाला क्या होता है आपका पाई हो जाता है, और बीच वाला क्या हो जाता है सिग्मा। तो इसमें भी सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी हो गई, दो। अब यहाँ पे आते हैं हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। तो अगर मैं आपको बता दूं हाइब्रिडाइजेशन का मतलब, कि अगर चार सिग्मा होता है तो अभी मैंने बताया कि हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा आपका sp3 होगा। अगर तीन आपका होता है तो sp2 होता है, और अगर दो होता है तो sp हो जाता है, दो होता है तो क्या हो जाता है आपका sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन देते लिख लू CH3CH CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। और इसमें हमको क्या निकालना है कि प्रत्येक कार्बन का बोलेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बोनेटर। आपसे जो क्वेश्चन करके लिख लो, इतना हो गया। और लिखिएगा यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम, मतलब प्रत्येक कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो आप देखोगे यहाँ पे इस कार्बन के साथ तीन और एक चार हो गया, तो मतलब चार सिग्मा है ना, मतलब यहाँ पे देखो चार सिग्मा हो गया, चार सिग्मा का मतलब हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा आपका sp3, मतलब तीन आपका हाइड्रोजन या तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा ना भाई, तीन और एक चार मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसमें देखो आपका एक सिग्मा हो जाता है तो दूसरा पाई, एक और एक, या कार्बन पे तो जो आपका सिग्मा के साथ जुड़ा होगा एक सिग्मा दो सिग्मा तीन सिग्मा, एक दो तीन सिग्मा मतलब sp2, ठीक है। ये दिखाओ मत इसको रहने दो, ठीक है। अब एक दो तीन, तीन सिग्मा मतलब sp2, इसका भी हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक आपका सिग्मा दूसरा सिग्मा, दो सिग्मा है sp, यहाँ पे देखो भाई एक एक सिग्मा और एक सिग्मा मिलकर दो सिग्मा मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाता है। और यह निकालने का सबसे ही आसान तरीका होता है हाइब्रिडाइजेशन करने का। आया समझ में? नोट डाउन करिए, फिर हम आगे चलते हैं एक मजेदार टॉपिक के साथ।
नोट डाउन कर लिए होंगे, चलते हैं इसको इरेज करते हैं और मजेदार टॉपिक स्टार्ट करते हैं एक नई एनर्जी के साथ। मेथड नंबर थर्ड सेकंड भी आएगा, सेकंड भी आएगा। आप देखो जैसे कि मैं एक बात बता दूं आपको, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में बहुत ही जरूरी है एटम्स के बारे में जानना, और जो एटम्स होते हैं कार्बन एटम्स मान लो वो आपका कैसा होता है, तो आपको पता है कि जो कार्बन एटम्स होते हैं वो क्या होता है आपका केट आयन होता है, एन आयन होता है, फ्री रेडिकल्स होता है, और क्या होता है आपका लोन पेयर होता है। केट आयन क्या होता है, बोला जाता है इफ कार्बन है पॉजिटिव चार्ज, मतलब कार्बन परमाणु के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं केट आयन कहते हैं। इस टाइप अगर कार्बन के ऊपर प्लस कहीं आपको दिख जाए तो क्या होगा आपका कार्बन केट आयन हो गया, अगर कार्बन के ऊपर कहीं माइनस दिख जाए तो आप क्या बोलोगे कार्बन एनायन हो गया, अगर कार्बन के ऊपर कहीं एक सिंगल डॉट दिख जाए तो आप बोलेंगे कार्बन के पास अगर एक अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको हम लोग कहते हैं फ्री रेडिकल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया इसको, फ्री रेडिकल्स। क्या पढ़ते हैं, फ्री रेडिकल्स पढ़ते हैं, ठीक है। और अगर कार्बन एटम्स के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है यानी कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो उसको हम लोग पढ़ते हैं लोन पेयर। क्या पढ़ते हैं, लोन पेयर, ठीक है। अब देखो मैं आता हूँ इसके ऊपर मेथड नंबर सेकंड के ऊपर। मेथड नंबर सेकंड में देखो जैसे आपको मैंने बता दिया कि कोई एटम कैसा हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, या उसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या उसके पास फ्री का दो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे करना क्या है, देखो मैं इससे रिलेटेड एक आपको कहानी बता दूं। मैं गया बाजार में और बाजार में जाते ही हुआ क्या मेरे साथ, वो बहुत ही दुर्भाग्य हुआ, दुर्भाग्य था मेरा कि मेरे जेब में केवल और केवल 2 रुपए थे, मेरे जेब में केवल और केवल कितने रुपए थे, 2 रुपए थे, और वह 2 रुपया किसी भिखारी ने मेरे से मांगा और मैंने उसको क्या कर दिया, दे दिया 2 रुपये। तो अगर मैंने उसको 2 रुपया दे दिया और जरूरत पड़ी मुझे कुछ खरीदने की तो मैं कुछ खरीद नहीं पा रहा, लेकिन मेरे आंखों के सामने ही दिखाई दे रहा है कि वह जो भिखारी है उस 2 रुपये का क्या खा रहा है, आपका टॉफी ले रहा है। अगर मैंने 2 रुपया उसको दे दिया तो मैं क्या हो गया भाई, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में पॉजिटिव हो गया, और वह 2 रुपया लिया तो वह क्या हो गया आपका निगेटिव हो गया। मैं कुछ खरीदना चाह रहा, मैं पैसा मेरे पास था, मैंने उसको दान दे दिया यानी उसको दे दिया मैं एकदम से, तो मेरे पास कुछ पैसा नहीं बचा और मैं कुछ खरीदना चाह रहा तो नहीं खरीद पा रहा, लेकिन वही जो भिखारी था वह कुछ खरीदना चाह रहा था वह खरीद पा रहा है क्योंकि उसके पास क्या है 2 रुपये। पैसा उसने लिया तो उसके ऊपर माइनस चार्ज, और मैंने पैसा दिया मेरे ऊपर क्या हो गया प्लस चार्ज हो गया, प्लस कोई मतलब नहीं रख रहा। इसीलिए जब हम एटम्स बनाते हैं और जब इसका हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो यह क्या होता है आपका हाइब्रिडाइजेशन प्लस में प्लस वाले की काउंट नहीं करते हैं क्योंकि जो प्लस था वह गिनती में नहीं आ रहा यानी कि वह कुछ खरीद नहीं पा रहा, और माइनस वाला क्या कर रहा आपका खरीद ले रहा है, टॉफी खरीद ले रहा है, ठीक है। अब देखो आपका एटम्स अगर आपका अनपेयर ऑफ होता है तो आपको पता है ना भाई कि एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, यानी कि एक अपना अगर किसी के पास एक का खुद का इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो कहाँ से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसीलिए हम लोग अगर कोई आपको डॉट दिख जाए तो वो उसके लिए गिनती क्या करेंगे, नहीं करेंगे। अगर आप देखेंगे कहीं पे आपको दो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं यानी कि लोन पेयर दिख रहे हैं तो लोन पेयर वाले की गिनती करते हैं क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक है, चलते हैं आगे। अब बताते हैं आपको क्वेश्चन इससे रिलेटेड, जैसे मैंने लिख दिया है CH3CH2 और इसके ऊपर मैंने लिख दिया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट कर लेते हैं और बोला जाए कि बताओ कि इनके प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो आप देखो इसको कैसे लिखोगे, एक कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन जुड़ा है, 3 हाइड्रोजन ऐसे जोड़ दो सिंगल बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव दिख रहा है, और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन जुड़ा है। आया समझ में मेरी बात, कोई समस्या यहाँ तक। अब देखो करते क्या हम लोग, मैंने क्या बोला कि सभी सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं, यह सिग्मा हो जाएगा, यह सिग्मा हो जाएगा, यह सिग्मा, यह सिग्मा,
यह कार्बन जो आपका कितना सिग्मा बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 2 3 4 सिग्मा अगर रिप्रेजेंट करता है तो मैंने बताया था कि 4 सिग्मा मतलब हाइब्रिड एडिशन sp3। ठीक है, अब बताओ इसके लिए जो यहां पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 1 यहां पे कॉमन सिग्मा है दोनों का, और मैंने बताया था कि इस प्लस वाले को काउंट नहीं करना है, प्लस वाले को काउंट नहीं करना है, 1 2 3 सिग्मा मतलब हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाता है आपका sp2 हो जाता है, क्योंकि इसमें कितना सिग्मा हो गया, 3 सिग्मा हो गया। समझ में आया, कर लीजिए, नोट डाउन करिए तुरंत फटाक से। कर लिए, चलते हैं अब इसको अरेंज करते हैं और दूसरा हम लोग सेकंड नंबर एग्जांपल देखते हैं। सेकंड नंबर एग्जांपल आपको बता देते हैं कैसे करोगे इसको। जैसे मैं देखो यहां पे दे दिया CH3 दे दिया, CH2 दे दिया और यहां पे दे दिया CH2 माइनस कर दिया। ठीक है, माइनस कर दिया। अगर आपको इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन करना हो, आप अभी यहां पे बताएंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp3 होगा और यहां पे बताओ 2 1 3 और 1 4 चार सिग्मा दिख रहे हैं आपको, चार सिग्मा यहां पे भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। और मैंने आपको क्या बताया, माइनस वाले को काउंट करना है, माइनस वाले को काउंट करना है, बताओ 2 1 3 और 1 4 चार मतलब यहां पे भी क्या हो जाएगा आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। ठीक है, मतलब प्रत्येक कार्बन का यहां पे हाइब्रिडाइजेशन मिल गया, वो क्या हो जाएगा आपका sp3 आ जाएगा। और इससे एक रिलेटेड में क्वेश्चन आपको दे दूं, जैसे इस टाइप में मैंने आपको संरचना दे दिया, यहां पे n लिख दिया, इस टाइप में मैंने बना दिया इसको। ठीक है, और बोला जाएगा बताओ कि ये जो आपका कार्बन है, कार्बन और नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कैसे आपको करेंगे, आपको इस संरचना को लोग दिखाएं तो इस टाइप में कर सकते हैं। यहां पे आपको कार्बन दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो आप दिखा लीजिएगा उसको, कार्बन कार्बन हो गया। ठीक है, कार्बन अब क्या कर रहा है आपको, यहाँ पे भी कार्बन हो गया, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे नाइट्रोजन दिख रहा है, कार्बन कार्बन नाइट्रोजन। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया आपका डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया आपका डबल बॉन्ड हो गया। अब बताओ यहाँ पे आपको बैलेंसिंग के लिए कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ यहाँ, और यहाँ पे आपका कोई हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे कार्बन के साथ क्या जुड़ेगा आपका हाइड्रोजन जुड़ेगा। अब देखो करना क्या है आपको, सिग्मा बॉन्ड का नंबरिंग कर लीजिएगा, नंबरिंग करेंगे तो बताओ 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। ठीक है, 3 सिग्मा या पाई आपका है, पाई पाई और पाई, तो 3 सिग्मा मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 आ जाएगा, इसके लिए भी sp2 आएगा, इस कार्बन के लिए भी sp2 आएगा, कार्बन के लिए sp2 आएगा, यहाँ पे भी कार्बन के लिए क्या आएगा, sp2 आता है। अब बताओ नाइट्रोजन के ऊपर आते हैं, अब नाइट्रोजन कैसे हम निकालते हैं, तो आपको पता होगा यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ 1 सिग्मा 2 सिग्मा कितने सिग्मा, 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर, लोन पेयर में मैंने बोला कि काउंट करना है, तो बताओ 1 सिग्मा 2 सिग्मा और लोन पेयर मिला के 1 हो गया, मतलब 1 2 और 1 3 3 का मतलब मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन बताया होगा sp2 होता है। ठीक है, नोट डाउन करिए भाई जल्दी से, चले चलो इरेज करते हैं। मेथड नंबर थर्ड पर आते हैं। तीसरे वाले मेथड में बोला जाता है, फॉर्मूला अगर हम लिख दें तो फॉर्मूले की मदद से हम कर पाएंगे। जैसे मैंने लिख दिया फॉर्मूला H=2, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोएटॉमिक साइड एटम। और यहाँ पे कितने से डिवाइड कर देते हैं, 1/2 से कर देते हैं। कोई समस्या है आपको, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक साइड एटम, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। अब देखो भाई मोनो एटॉमिक क्या होता है, मोनो एटॉमिक के बारे में डिस्कस करते हैं भाई, मोनो एटॉमिक का मतलब क्या हो जाता है। ठीक है, मोनो एटॉमिक
मोनो एटॉमिक एटम्स में आपका आ जाता है इससे हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एटीसी यह जो सभी आपके होते हैं वह क्या होते हैं मोनो एटॉमिक साइड एटम्स होते हैं ठीक है। अब अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन करना होगा हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए अगर देखो यहाँ पे आपका एच दिया गया एच का मतलब हो गया हाइब्रिडाइजेशन एच कर लो या इसकी जगह पर लोग जेड कर लेते कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या कर लिया हमने जेड कर लिया और जब जेड कर लिया तो अब आपको फॉर्मूला पे वैल्यू करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैं दे दिया यहां पे H2SO4 ठीक है दे दिया आपको H2SO4 और बताया गया कि बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि H2SO4 में जो यस है वो क्या आपका सेंट्रल एटम है। यस क्या है देखेंगे कि यस इज द सेंट्रल एटम यस इज द सेंट्रल एटम मतलब जो यस है वह क्या आपका कौन सा एटम है तो सेंट्रल एटम है यस इज द सेंट्रल एटम। आया समझ में कोई दिक्कत भाई। चलो अब देखो आपका सेंट्रल एटम हो गया अब यहां पे क्या करते हैं z इक्वल टू 1/2 क्या होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम तो आपको पता है कि जो सल्फर होता है सल्फर लिख लो यहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सल्फर एटम इक्वल टू 6 क्योंकि ये जो सल्फर होता है 16 2 8 एंड 6 ये होता है आपका तो वैलेंस में आपका कितना आ रहा है 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना तो यहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा फिर यहां पे प्लस हो जाएगा पूरा नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक एटम्स बताओ नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक साइड एटम और मोनो एटॉमिक साइड एटम में देखो क्या क्या आपको दिख रहा है हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन इसमें आपको हाइड्रोजन दिख रहा है और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2 है यहां पे लोग लिख देंगे 2 6 और कितना हो गया 2 मिलके कितना हो गया 8 बटे 2 यानी कि कितना 4 और अगर 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है sp3 आ जाता है ठीक है। चल लीजिए इसको करिए जल्दी से अब इसके बाद जब यह हो गया आपका आप इसको बताइएगा HNO3 का इसका HNO3 तो इसमें जो आपका N होगा वो क्या होगा आपका सेंट्रल एटम N क्या होगा आपका सेंट्रल एटम होता है ठीक है। यह जो आपका N होता है वो क्या होता है आपका सेंट्रल एटम और यह जो आपका N होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 7 होता है तो 2 का 5 हो जाता है और यहाँ पे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन एटम के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आप बोलते हैं 5 ठीक है 5 हो जाता है और मोनो एटॉमिक एटम्स मतलब मोनो एटॉमिक एटम्स ऑफ इसमें निकालना मोनो एटॉमिक मतलब मोनो एटॉमिक यहां पे लिख लीजिएगा नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक कितना हो जाएगा आपका यहां मोनो एटॉमिक में आपका हाइड्रोजन तो ये क्या हो जाएगा 1 फार्मूला मैंने बताया z = 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम कितना आपका 5 फिर प्लस मोनो एटॉमिक कौन है आपका यहां पे हाइड्रोजन कितना आपका 1 तो बताओ 5 और 1 कितना हो गया 6 का मतलब 1/2 और यहां कितना हो गया 6 हो गया तो ये कट गया 3 हो गया और 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2 हो जाता है ठीक है। नोट करिएगा और आज की क्लास में फिलहाल इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और मैं आपको एक बेहतरीन से बेहतरीन श्रृंखला लेके आऊँगा केमिस्ट्री का और उम्मीद करते हैं आप लोग का जो क्लास रहेगा वो बहुत ही मज़ेदार रहा होगा। जैसा होगा क्लास एक बार आप कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।